हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक योर लाइफ इजी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ दम आलू, जिसके लिए मुझे चाहिए 3 से 4 आलू, जिन्हें छील कर बड़े पीसेस में काट लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 1 हरी मिर्च ली है बड़े साइज़ की। आलूओं को मैंने पहले एक तेल गरम करके पैन में तल लिया है, अच्छी तरह क्रस्ट हो जाने तक इसको तलेंगे। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ ही यहाँ पर हम दही में 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये हम थोड़ी देर पहले ही बना के रख देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह फूल जाएं। 1/2 बाउल के करीब इसमें कर्ड लिया है मैंने और फ्रेंड, ये सब्जी ऐसी है कि अगर आपके घर अचानक गेस्ट आए और कुछ ना हो तो ये सब्जी बिल्कुल आपको एक अच्छी रिच टेस्ट देगी। और इसमें मैंने साथ ही 2 चम्मच मेथी, कसूरी मेथी, सूखी कस्तूरी मेथी जो बाज़ार में मिलती है, वही ऐड करी है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको एक साइड में रख दिया है। अब हमारे यहाँ पे पोटैटोज़ भी अच्छे से फ्राई हो गए, क्रिस्प हो गए। इनको मैंने एक टिश्यू पेपर लगा के एक प्लेट में निकाल लिया है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है मैंने अलग बर्तन में कर लिया है और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेके उसमें पहले जीरा डाला है और जीरे के साथ ही मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसको डाल लिया है। थोड़ा सा भूना है 2-3 मिनट, उसके बाद इसमें मैंने दही का मिक्सचर ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, दही का मिक्सचर डालने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिम गैस करनी है और इसको लगातार चलाते रहना है। अगर हमने 1 सेकेंड के लिए भी रोकी अपना चलाने से तो फिर इसको क्या है कि दही फट जाएगा और आपकी सब्जी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो जब तक कि हमें इसमें घी सेपरेट होता हुआ नज़र ना आए तब तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है, 1 मिनट भी रुकना नहीं है। लगातार चलाते हुए भून लेंगे और चेक कर लेंगे बीच में, अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह भुन जाता है और मसाला भुन जाता है और आपको जो है ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आता है, तभी हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, स्पीड बढ़ा रही हूँ, अदरवाइज़ आप बोर हो जाएंगे। इसमें काफ़ी देर लग जाती है मसाला भुनने में। यह हमारा मसाला भुन गया है और आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सेपरेट होने लगा है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब फ्रेश मलाई जो दूध के ऊपर आती है, उसी को अच्छी तरह चम्मच से मिक्स करके मैंने इसमें डाल लिया है। सारे मसालों को अच्छी तरह चलाकर मिक्स करना है। और अभी मैं इसको ढक्कन से कवर करके कुछ मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। पाँच से सात मिनट हो गए हैं, अब मैं अपनी सब्जी चेक करती हूँ। तो अभी ये काफ़ी अच्छी लग रही है और रेडी सी हो गई है, लेकिन अभी इसमें हम पोटैटो डालेंगे तो उनका रसा जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। थोड़ी थिक लग रही है मुझे ये, तो इसमें मैंने पानी थोड़ा और ऐड कर दिया है। आपको जैसी ग्रेवी रखनी हो आप पानी ऐड कर सकते हैं। और प्याज टमाटर भूनते वक्त मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, शायद इसमें मैंने दिखाना रह गया है वीडियो में,
तो देखिए अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है और जो हमारे फ्राइड आलू हैं उनको भी हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए एक बार और ढक के हमें इन्हें पकाना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह जो हमारा मसाला है वो आलूओं के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको ढककर पकने के लिए। पाँच से दस मिनट ये सब्जी मैंने पकाई है, अच्छी तरह पकाई है और अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है ये सब्जी। मैंने इसको किसी बाउल में सर्व नहीं किया है और कुछ नहीं डाला है एक्स्ट्रा, जो आपके सामने दिखाया है वही बनाया है। और देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है इसकी ग्रेवी, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि सिंपल आलू प्याज टमाटर से ये सब्जी बनी है। तो आप प्लीज़ इस सब्जी को बनाएं एक बार ज़रूर अपने घर में। और रोटी या पराठे बहुत अच्छी लगती है, किसी के साथ भी सर्व करें, पूरी के साथ सर्व करें और बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपकी सब्जी कैसी बनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।